अगर आपके ई मित्र पे कोई किसान आ जाए जिसे कि आवेदन करवाना है वाटर टैंक स्टोरेज का, तो दोस्तों यहाँ पे ये आवेदन ई मित्र से किया जाता है। तो ई मित्र से आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्च के अंदर आपको टाइप करना है एग्रीकल्चर। उसके बाद दोस्तों दोस्तों इस विभाग की सभी सर्विसें दिखाई देंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं संग्रह टैंक पर कृषि सब्सिडी, यहाँ पे सब्सिडी ऑन वाटर स्टोरेज टैंक, ये वाली सर्विस है। तो इस सर्विस का आपको चयन करना है। इस सर्विस का चयन करने के बाद आप ओके बटन दबाएंगे, और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पे राज्य किसान साथी पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे किसान के जन आधार कार्ड संख्या आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पे भामाशाह जन आधार कार्ड का दो ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या किसान की एंटर कर लेनी है। यहाँ पे किसान की जन आधार कार्ड संख्या एंटर करने के बाद आपको प्रस्तुत पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। आप उस सदस्य का चयन करेंगे जिसके वाटर टैंक स्टोरेज के लिए आवेदन करना है। उसके बाद OTP पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, और यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर पे एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। वह OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद OTP सत्यापित करें पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आपने OTP सत्यापित करें पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा, जन आधार कार्ड से डिटेल आ जाएगी। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसान के यहाँ पे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन संख्या दर्ज करनी है। आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन संख्या दर्ज करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक खाता विवरण जांच कर लेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी गलती है तो जन आधार कार्ड आपको अपडेट करना होगा। सही है तो आप यहाँ पे पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे कि बैंक खाता बिल्कुल सही है, इसी बैंक खाते के अंदर पैसे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एक दिशा निर्देश है कि ई मित्र केंद्र पर जन आधार कार्ड माध्यम आवेदन कर रसीद जरूर प्राप्त, यानी किसान को रसीद जरूर देनी है। यहाँ पे 3600 घन फीट भराव क्षमता वाला और 1,00,000 लीटर हो वही आप बना सकते हैं। यहाँ पे भराव क्षमता है, जल हौल का आयतन वर्गाकार या फिर आयताकार हो सकता है। आप जो निर्माण करवाएंगे वो प्रशासन के द्वारा आपको स्वीकृति दी जाएगी, उसके बाद ही आपको निर्माण करवाना है। एक बार स्वीकृति मिलने के 2 महीनों के अंदर अंदर आपको निर्माण करवाना होगा, या फिर जो फाइनेंस ईयर वो समाप्त हो उससे पहले पहले आपको यहाँ पे निर्माण करवाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप आवेदन करेंगे, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद आप निर्माण करवाएंगे। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसेस को ही फॉलो करना होगा। किसान को भी बता लेना है और आपको भी समझ लेना, जिससे कि कोई किसान आए तो उसको आपको जानकारी देने में कोई भी समस्या ना हो। किसान को जल हौज को पूर्ण होने की सूचना जैसे ही उसने निर्माण करवा लिया तो पूर्ण होने की सूचना संबंधित विभाग में वो देगा। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर वो एक लोहे का बोर्ड भी लगवाएगा, तो यहाँ पे वहाँ पे उसको लोहे का बोर्ड लगाएगा। उसके बाद प्री व पोस्ट सत्यापन के दौरान किसान वहाँ पे उपस्थित रहेगा, यानी कि बनने से पहले सत्यापन और बाद में किसान वहाँ पे उपस्थित रहेगा। निर्माण पूर्ण होने की सूचना किसान यहाँ पे कार्यालय को देगा, वही ऊपर पॉइंट लिखा हुआ वही है। पैसे जन आधार कार्ड खाते में आएंगे, नॉर्मल पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यही पॉइंट बार बार दोहराए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी आप इनको पढ़ ले। इसके अलावा दोस्तों प्रभावी जल भंडारण के लिए आंतरिक स्तर के नीचे थोड़ा झुकाव होना चाहिए, अंत में जो हो थोड़ा सा झुकाव होना जरूरी है। जल संग्रह टैंक के बाहरी स्तर पर मुर्दा समर्थन प्रणाली होनी चाहिए, जो मुर्दा की समर्थन प्रणाली है वो आपके पास होनी चाहिए। दरारों के बसने के लिए प्रस्तावित वाटर टैंक के कोनों पर आयरन रॉड का सपोर्ट आपको देना होगा। तो ये जो निर्माण करेंगे उससे संबंधित है, तो ये किसान को आप कंप्लीट जानकारी दे देंगे इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको इसके अंदर जो भी मैंने पॉइंट किया उसका ध्यान रखना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे किसान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी फोटो से, तो यहाँ पे मोबाइल फोन संख्या। अब जल हो जाएगा जहाँ पे उसको निर्माण करवाना है, तो उसका एड्रेस और आवेदक का एड्रेस समान है तो हाँ करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप जहाँ पे जल हो जाएगा किसान निर्माण करवाना चाहता है उसका कंप्लीट एड्रेस वो यहाँ पे लिख लेंगे कि मुझे यहाँ पे वाटर टैंक स्टोरेज का जो भी एड्रेस है यहाँ पे मैं वाटर टैंक स्टोरेज का निर्माण करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये तो आपने यहाँ पे कर लिया है कि मुझे इस जगह पे ये करवाना है, एड्रेस हो गया जल हौज निर्माण का। अब दोस्तों आप कौन से खाता नंबर लिखेंगे, जिस खेत की ज़मीन के अंदर आपको करवाना है उसके खसरा संख्या लिखेंगे, एक से अधिक खसरा संख्या है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे।
तो जल हो 0.5 हेक्टर कम से कम, जो आप खसरा लिख रहे हैं उसके अंदर भूमि होना जरूरी है, इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। फिर किसान की श्रेणी का चयन करेंगे, सीमा लघु या फिर अन्य श्रेणी का किसान है तो यहाँ पे किसान की श्रेणी का चयन करना है, सीमांत है तो सीमांत, लघु है तो लघु, अन्य है तो अन्य। फिर भराव क्षमता कितनी आप रखने जा रहे हैं वो आप ले लेंगे, तो यहाँ पे भराव क्षमता लेनी है, तो जैसे कि यहाँ पे 4 लाख लीटर वगैरह हो गए। फिर जल स्रोत लेना है आप, नलकूप या फिर कुओं से आप यहाँ पे जल स्रोत आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लेंगे, जहाँ से इस पानी को आप इस वाटर टैंक स्टोरेज के अंदर भरेंगे। फवारा सेट आपके पास है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो आपको लगवाना ही होगा, लेकिन अगर फिलहाल अभी नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, अगर हैं तो हाँ ले लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो बाद में आपका जो भौतिक सत्यापन हो उससे पहले पहले आपको यहाँ पे फवारा सेट या फिर ड्रिप संयंत्र आपको स्थापित करना ही होगा, इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा जो पंप सेट है वो सालू स्थिति में होना चाहिए, अगर नहीं है सालू स्थिति में तो भौतिक सत्यापन से पहले पहले आप उसको सालू स्थिति में लेके आ जाएंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, अगर सालू स्थिति में है तो आप यहाँ पे हाँ ले सकते हैं। तो इन पॉइंटों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों देख सकते हैं क्या पंप सेट बिजली सौर ऊर्जा से संचालित जो फॉर्म मतलब जो भी आपका लगा हुआ है वो किसके आधार पे आपका चल रहा है, पेट्रोल है या बिजली है या फिर सौर ऊर्जा लगी हुई है आपके खेत पे, वो यहाँ पे ले लेना है। तो वो जो भी आपके पास है किसान से कंफर्म करके आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे समय की जमीन है या फिर नेशनल शेयर होल्डर है वो आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनल शेयर होल्डर लेंगे तो वो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा नेशनल शेयर होल्डर का। यहाँ पे जमाबंदी की नकल आपको अपलोड करनी है तो आप इमिता से डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल डाउनलोड करेंगे, उसके बाद स्कैन करके डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो इसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा जमाबंदी डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर आप जमाबंदी की नकल यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, सेकंड वाले के अंदर पटवारी द्वारा प्रमाणित यहाँ पे आपको नक्शा लगाना है तो ये भी आप इमिता से डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन, सॉरी दोस्तों डाउनलोड करके वहाँ पे उसके पटवारी के हस्ताक्षर करवा के स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। तो ऑनलाइन डाउनलोड का वीडियो इसका भी बना हुआ है कि नक्शा किस प्रकार से ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप नक्शा भी अपलोड कर लेंगे, ये नक्शा जो भी है आपका वो आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो फोर डेमो में आपको बता देता कुछ इस प्रकार से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी आप कंप्लीट जांच करेंगे। जांच करने के बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है, तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। फोर डेमो आप भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको मैसेज मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसकी प्रिंटआउट निकाल के आप किसान को दे देनी है। इसकी प्रिंटआउट निकाल के किसान को देने के बाद अगर आपको स्टेटस भी देखना है तो रिपोर्ट में जाके आप स्टेटस देख सकते हैं, अप्रूव होने का वगैरह जो भी स्टेटस है यहाँ पे बताता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे, यहाँ पे डेट, यहाँ पे स्कीम, यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर और यहाँ पे पेंडिंग वगैरह है। और ज़्यादा स्टेटस देखना है तो एक्शन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था जल होज का, अगर आप अपने खेत पे निर्माण करवाना चाहते हैं और उसके अंदर कोई भी किसान ई मित्र पे आया है तो वो किसान का आवेदन आप इस प्रकार से करके दे सकते हैं। तो वाटर टैंक स्टोरेज का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से ई मित्र से किया जा सकता है, या फिर कहे कि जल होज का निर्माण के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यही प्रोसेस था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों।